सब गाइस, क्या हाल चाल? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अभी आप YouTube पे एक भाषण देख रहे होंगे कि जिसको देखो वो एक सर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, जिसको देखो वो एक सर के बारे में बहुत बुराई कर रहा है, जिसको देखो एक सर की टीचर की जाति धर्म के ऊपर टॉपिक उठ रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जंगल है, जंगल में एक बहुत विशालतम हाथी है, बहुत पावरफुल है, और उस हाथी का दोस्त सब कोई बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस वो पावरफुल है, और पावरफुल आदमी का साथ अगर मिल जाए तो थोड़ा बहुत हमारा भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो पावरफुल हाथी जंगल में जा रहा है और कुछ भेड़िए कुत्ते अगर उस पर भौंक दिए, तो उस हाथी का कर्तव्य ये बनता है कि क्योंकि उसको पता है वो हाथी है, सब कोई उससे दोस्ती करना चाहते हैं, उसका सब कुछ अच्छा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो हाथी ये कहे, हाय राम, मुझे इन कुत्तों ने भौंका मेरा, वो वहीं पे मतलब जहाँ पे कुत्तों कुत्ते उसको भौंक रहे हैं, उस हाथी को, वो हाथी वहीं पे बैठ जाए और फिर तहलका मचा दे, शेर को बुला ले और बाकी बड़े बड़े जानवरों को बुला ले कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आओ इसका समाधान करो, और सब सारे फिर जानवर बड़े बड़े आ रहे हैं जंगल के, और वो कह रहे हैं हाँ, ये बहुत बड़े हाथी है, ये बहुत शानदार हाथी है, ये बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, लंबी सूंड है, बहुत परफेक्ट है, बहुत सुंदर है, मतलब उसकी खूबियाँ बताना शुरू कर दिया। इसे आप ये समझ सकते हैं कि सिनेरियो यही यूट्यूब पे हो रहा है। जिन सर के बारे में बात हो रही है ना, वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है उनका, हर वीडियोस कई लाख व्यूज आते हैं, यानी उनके ज्ञान का परचम लहराता है। लेकिन ये जो अभी चल रहा है ना, ये अच्छा नहीं है। आप ये देखते होंगे कि कोई ऐसा इंसान नहीं बचा एजुकेशन की फील्ड में, जो अच्छे अच्छे चैनल हैं वो सब नाम यूज़ करने के पीछे पड़े होते हैं। नाम, कोई फोटो लगा के दिखाता है कि देखिए हम इनको जानते हैं, हमारी इनसे जान पहचान है, हम इनका सपोर्ट करते हैं। देखिए, सपोर्ट करना ना करना वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान छलकता है, दिखता है, उनका ज्ञान दिखता है, उनको कोई गलत नहीं कह सकता। जिस इंसान ने इतना बड़ा बड़ा ज्ञान सरलतम भाषा में दिया, अगर कोई कुत्ता आके कहता है कि नहीं 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 ये हाथी नहीं है, नहीं 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 वही जंगल वाला काम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस चीज को बहुत तगड़े तरीके से बना के और हर जगह एकदम से जैसे लगता है कि इससे बड़ा कोई देश में मतलब कुछ है ही नहीं, है क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ, बिहार में थोड़ी सी बारिश हुई, वहाँ के बड़े बड़े अस्पतालों में पानी भर गया। इस पे बात हो रही है? नहीं, नहीं होगी। देश में एक बहुत घातक बीमारी है कोरोना, साइंस ने पता भी लगा लिया ये कोरोना है, कैसा फैलता है, क्या है, इसका इलाज भी ढूंढ लिया, वैक्सीन भी बना ली, दवाई भी बना ली। शुरुआत में सब कुछ एकदम हाँ, बस एक बार दवाई मिल जाए, बस एक बार दवाई मिल जाए। आज क्या है? वैक्सीन है लेकिन वैक्सीन नहीं है, स्टेट के पास वैक्सीन नहीं है लगाने के लिए, लोगों के पास वैक्सीन नहीं है लगाने के लिए। हाँ, प्राइवेट जिनके पास पैसा है वो लगवा सकते हैं, चाहे आप कवारत्ती में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे दिल्ली में हो, आप 1,000 2,000 रुपये दे के वैक्सीन ले सकते हैं, अच्छी बात है, जिनके पास पैसा है वो लगवा सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है उनके बारे में ये सोचना चाहिए, ये चीज़ दिखानी चाहिए, देश को अवेयर करना चाहिए, सरकार को अवेयर करना चाहिए, हमारी मीडिया को दिखाना चाहिए बार बार। आप ये सोचो, कहीं अगर हमारा जो एटमोसफेयर है, हमारा जो क्षेत्र है भारत, वो कहीं जापान जैसा होता तो क्या हालात होते हैं? वहाँ तो हमेशा भूकंप आता रहता है, हमेशा तूफान बारिश आती है, तो फिर हमारी सरकार ना छोड़ के भाग जाती है कि भाई हमारे बस की नहीं है, जबकि संसाधन अवेलेबल है बहुत अच्छी तरीके से, सिर्फ काम की कमी, नीयत की कमी, वो चीज़ मीडिया नहीं दिखाती। कुछ मीडियास हैं जो दिखाते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब सब लोग एक साथ बोलते हैं तो सरकार भी सुनती है। हमारा एक पेपर है रेलवे का, एनटीपीसी और ग्रुप डी का, 2 2.5 साल हो गए, 2 2.5 साल बहुत होते हैं। एक इंसान के जीवन के 2 2.5 साल का कोई भी वैल्यू नहीं है गवर्नमेंट को, लेकिन इस पे कोई वीडियो नहीं बनाएगा। आज जो सर इतने फेमस हैं, अगर वो कंटिन्यू लगातार एक हफ्ते वीडियो बना देते, या सारे लोग मिलके वीडियो बना देते हैं कि रेलवे का कैलेंडर जारी करो, तो हो सकता है सरकार ये चीज़ जारी करती। लेकिन नहीं, मुद्दा ये उठ रहा है कि सरकार उस हमारे फेमस टीचर की जाति क्या है, इसको मुद्दा बना के वायरल किया जा रहा है। इससे क्या लाभ हानि मिलेगा? जिस व्यक्ति ने उन पे उंगली उठाई ना, उसको
तो जवाब मिल ही गया होगा, बल्कि वो उसके लायक भी नहीं है, उसको तो कोई देखना भी नहीं चाहेगा। फिलहाल ये कोई बात ही नहीं होती है। आप ये बताइए, जिस टीचर के इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने का तरीका है उनका, इतने कम उम्र में इतना एजुकेटेड पर्सन इतने अच्छे तरीके से ज्ञान देता है, उसके ऊपर तो कोई नहीं आवाज़ उठा सकता, कोई कहेगा भी तो कोई विश्वास नहीं मानेगा। तो इसलिए अगर कोई विश्वास नहीं मानेगा तो ये ज़रूरत क्या है, आई सपोर्ट सर, ये सर वो सर, ये गलत है। आप यूट्यूब खोलेंगे ना, आपको ये दिखेगा, हर चैनल नाम लेकर आप ये देखोगे, उन चैनल के एजुकेशन वीडियोस उतने नहीं चलते हैं। मैं क्यों बताऊं, क्योंकि सारा खेल जो है वो व्यूज़ का है। मैं भी इसी फंड चीज़ में फंसा हूँ कि उनके एजुकेशन के वीडियोस उतने नहीं चले जितने इस ये वीडियो चला कि आई सपोर्ट सर। किस सर की बात कर रहा हूँ आपको पता है, ठीक है, मैं व्यूज़ नहीं लेना चाहता। आपने देखा होगा थंबनेल पे उन सर की फोटो लगा के, और सब लोग जताना चाहते हैं, मैं जानता हूँ, आई सपोर्ट सर, ज़रूरत नहीं है इसकी। वो बहुत महान शख्सियत है, उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया, उनका एम्पायर कोई तोड़ नहीं सकता, कोई झूठ बोल के तोड़ नहीं सकता। मैं पर्सनली नहीं जानता, मैं भी पटना में पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरी राय है। अगर इस राय से विपरीत आपकी राय है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन मेरी बात गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई टीचर बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान देता है तो हमें उस ज्ञान से लेना देना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, पूरे यूट्यूब में या पूरे एजुकेशन के, पूरे इंडिया के एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक कि अगर वर्ल्ड को भी जोड़ोगे तो भी बहुत बड़ी बात है, पूरे इंडिया के एजुकेशन में एजुकेशनल वीडियोस में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उनके, सबसे तेज़ी से व्यूज़ आते हैं उनके, समझ सकते हो। अगर वो कोई कोर्स पढ़ाना शुरू करें तो हाहाकार मच जाएगा, लेकिन वो कोर्स जो पढ़ाते हैं वो अपनी एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं। तो जब वो ऐसी नॉलेज देते हैं जो जन सामान्य के लिए भी ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, और आपको पता है कि पढ़ाई लिखाई सबके भेजे की बात नहीं, सबको पसंद नहीं आता, प्रेशर आता है, कौन देखता है पढ़ाई लिखाई की वीडियो। बहुत सारे टीचर जो है इस कोरोना काल में डिप्रेस हैं कि उनके व्यूज़ नहीं आ रहे क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है। अरे यार, कोई पढ़ाना चाहता है, पैसा ही नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं एक टीचर है जिनके बहुत व्यूज़ आता है, एक 10 मिनट का वीडियो डाला और शाम तक 10 लाख, 20 लाख, 27 लाख, 50 लाख चाप के, इतना तो किसी का पूरे साल में व्यूज़ नहीं आता। एक छोटे इंसान मेरे जैसे का, मेरे मेरे पूरे पूरे साल क्या, पूरी ज़िंदगी में, पूरे 4-5 साल के यूट्यूब कैरियर में इतना व्यूज़ नहीं आता, 27 लाख, 30 लाख जितना उनके एक वीडियोज़ में आता है। तो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, सपोर्ट ना सपोर्ट करने की कोई बात नहीं है। उनकी जाति धर्म पूछने वाला तो बिल्कुल ही, वो कुत्ता, बिल्कुल कुत्ते से भी उसका तुलना नहीं करना चाहिए, और इस चीज़ को हवा नहीं बनाना चाहिए। जो लोग हवा बना रहे हैं ये गलत है, नाम उनका यूज़ करके आई सपोर्ट आई सपोर्ट आई सपोर्ट, ये गलत है। बल्कि इसकी जगह जो टॉपिक, जेनुइन टॉपिक है उसको उठाना चाहिए, जेनुइन टॉपिक उसको उठाना चाहिए, विद्यार्थियों की समस्या, वायरस की समस्या, मेडिकल की समस्या, इन सब चीज़ों को उठाना चाहिए और फोर्स करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक कोई करता नहीं है। सरकार क्या है ना, अपने तरीके से काम अच्छा कर रही है, लेकिन अगर हम सभी मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जैसे भी, अगर ध्यान केंद्रित कराएं तो वो काम होगा, लेकिन वो करने नहीं चाहते। जैसे मैंने ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में बताया, एनटीपीसी के रेलवे के एग्जाम के बारे में बताया, वायरस के बारे में बोला, कि इंजेक्शन के बारे में, इसके ऊपर चीज़ें बनाइए ना, कि यार सब कुछ हो चुका है, इंजेक्शन क्यों नहीं बना रहे आप, तेज़ी से क्यों नहीं कंपनियों को बोले कि भाई बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। साला 10 दिन 15 दिन के अंदर हम पूरे देश में वैक्सीन लगाएं और सब कुछ खोले, सब कुछ शुरू हो जाए, सब कुछ पढ़ाई शुरू हो, पढ़ने वाले अपनी पढ़ाई पूरी करें, नौकरी करने वाले नौकरी पूरी करें, देश आगे बढ़े। नहीं, सबको अपना पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑफ द टॉपिक मेरा वीडियो था, शायद पता नहीं आप लोग को समझ आया होगा कि नहीं आया होगा। मेरे दिमाग में ये आइडिया ऐसा है कि एक यूट्यूबर दोस्त है मेरा, हालांकि दोस्त के नाम पे तो धब्बा ही है सब, बस मज़े लेने के लिए फ़ोन कर देते हैं, फिरकी लेने के लिए, तो मेरे व्यूज़ वैसे भी बहुत कम आते हैं ना। तो फ़ोन किया उसने, बोला भाई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है फलाने, मतलब सॉरी फलाने नहीं बोलूँगा सर को, सर सर हैं, तो सर का हमने लगा मस्त और उसमें लिख दे आई सपोर्ट सर, बढ़िया व्यूज आ जाएंगे तेरा, वायरल हो जाएगा। तो ये सुन के मन में ना आग जल गया और मैंने उसको हाँ बोला। उसके बाद मैंने सोचा अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, बिना नाम लिए, बिना पहचान बताए, और जो मेरे दिल में वो चाहता तो मैं भी वही करता जो सब कर रहे हैं, लेकिन ये कोई मुद्दा ही नहीं बनता कि आई सपोर्ट सर। अरे सर हैं, अगर ऐसी बात होती ना तो
तो उनके चैनल को ही देख के पता चल जाता है, सपोर्ट करने की बात नहीं है, ऑलरेडी उनको सपोर्ट है। अगर सपोर्ट नहीं होता तो इतने व्यूज़ नहीं आते, इतने सब्सक्राइबर नहीं होते, इतनी तेज़ी से उनका वीडियो चलता नहीं, वायरल नहीं होता। सब लोग उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में जंगल वाली कहानी बताई कि बहुत बड़ा हाथी है, जानवर हाथी है, अब वो जा रहा है तो कुत्ते लोमड़ी ने कह दिया ये हाथी हाथी नहीं है, ये ताकतवर नहीं है। अब ये उस हाथी का भी कर्तव्य बनता है छोड़ना यार। लेकिन यहाँ तो सर की भी मुझे लगता है पता नहीं क्या समस्या है, बाकी और वो जानवर जो छोटे मोटे हैं वो भी आ गए हाथी का फेवर करने। अरे अरे हाथी दोस्त, हाथी दोस्त, हाथी तो अपना दोस्त है, हाथी को कैसे कह दिया भाई, सबको पता है वो हाथी है, ताकतवर है। कुत्ते ने कह दिया तो उस कुत्ते की बात को नहीं मानना चाहिए, हमें आगे निकलना चाहिए। फिलहाल वीडियो बंद करते हैं, पता नहीं अलूल जलूल पता नहीं क्या क्या बोला मैंने, ठीक है। तो ये मेरे दिल मेरे मेरे शब्द थे, इससे अगर किसी को आहत मिली है तो अपने नीचे प्रतिक्रिया दे सकता है। हालांकि मैंने इस वीडियो में किसी को गाली, किसी को डिफेम करने की कोशिश नहीं की है। अगर कुछ किसी को दुख दर्द हुआ होगा तो अपनी समस्या नीचे लिख सकता है, गाली भर भर के लिख सकता है। वैसे भी अपना कोई है नहीं, यूट्यूब हो या आप हो, 100 200 500 1000 लोग हैं जो बहुत अच्छे से मेरी वीडियो देखते हैं, बाकी तो कोई है नहीं, चाहिए भी नहीं। जय हिंद।